अपराधी भी नमूना टाइप का कुछ जो है लाइक मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए। सांसद महोदय, आपने अगर काम किया है तो किसी भी मंच पे आकर के बहस कर लीजिए, ये गुंडा भेजने का क्या जरूरत है। देखिए, हमको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पे हुआ है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, हमको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। जब आम लोग इनकी बातों में नहीं आए, आम लोगों ने हर गली में इनसे यही पूछा कि सड़कें क्यों नहीं बन रही, जाम की समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही, क्यों यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का एक गंभीर समस्या है, और 10 साल में आप दिखाई क्यों नहीं दिए, हमारे सुख दुख में क्यों नहीं आए। इन सवाल का जवाब जब देते इनको नहीं बन पा रहा है, तो अब ये बदनाम करने के बाद अब ये डराने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हम गांधी जी के सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, हम रुकेंगे नहीं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवाल उठाते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई, बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे। देश के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, दो दो बार प्रधानमंत्री बनाया, लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो, उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे, और अपने दोस्त जय शाह जी को, सॉरी माफ कीजिएगा, अमित शाह जी को, क्या कीजिएगा आजकल बेटा का नाम ही याद रहता है, अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है, दिल्ली की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए वो यह कायराना पूर्ण आपराधिक हमला करा रहे हैं। लेकिन हम उनको कह दें कि हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर इस देश को आज़ादी दिलाई, और हम संविधान सेनानी बनकर के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। आपके कायराना हमले से, आपके द्वारा भेजे गए अपराधियों से, और अपराधी भी नमूना टाइप का, मतलब कुछ जो है लाइक मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए, नमूना टाइप का, तो कुछ और सोचिए। इन चीजों से जो है हम रुकने वाले नहीं हैं। सांसद महोदय से यही कहेंगे, सांसद महोदय, आपने अगर काम किया है तो किसी भी मंच पे आकर के बहस कर लीजिए, ये गुंडा भेजने का क्या जरूरत है। बहस कर लीजिए, आप अपना काम गिना दीजिए। और आपने जो दो गांव गोद लिए थे 2014 में, वो गांव हम घूम करके आए हैं, क्या है तो अपना काम गिनाइए। विपक्ष को बदनाम करना, वीडियो चलाना, गुंडे भेज करके लोगों को डराना और पैसे से खरीदने की कोशिश, ये हथकंडे हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है, और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे।
तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन गुंडा भी थोड़ा ढंग का भेजना चाहिए, नमूना टाइप का भेजते हैं। इस देश में एक चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी एक जिम्मेवारी है पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। हम उस प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, हमको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पे हुआ है, संघर्ष हमारा जीवन है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, हमको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए, वो जो है आतंक अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे सुबह में? आए थे। ये देखिए तो, ये कौन मंच शेयर कर रहा है, ये कौन बैठा हुआ है, हम बैठे हुए हैं। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे उनको? फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? नहीं नहीं, निंदा करते हैं, एक मिनट, लेकिन 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 अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उनका समर्थक है, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है, इसमें लेकिन किंतु परंतु कहाँ है? देश में उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना, तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं कि वो गृह मंत्री है? ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है, उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेटचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए। ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है लोग, जहां जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन, ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं, यहां मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहां हमारे मंच पे ये लॉयर है, हमारे इलेक्शन एजेंट है, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ये पूर्व मंत्री है, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर है। कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूना गिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? आप सबको ये बात मालूम है कि भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे थे, और भाजपा ने ये गुंडा क्यों भेजा? क्योंकि उनको हार से डर लग रहा है।